नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। यहां एक लड़के ने सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के पास वंशिका नाम की लड़की को गोली मार दी थी, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी। बीते दिन पुलिस ने इस घटना के आरोपी आदित्य तोमर को भी पकड़ लिया। इस कहानी को अब तक लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह। आरोपी आदित्य तोमर ने पुलिस को खुद ये बयान देते हुए बताया कि वह सिद्धार्थ फार्मेसी आईटी पार्क देहरादून में डी फार्मा फर्स्ट ईयर का छात्र है और मृतिका वंशिका भी उसी के साथ पढ़ती थी। आदित्य ने बताया कि करीब एक महीने पहले वंशिका ने सोशल मीडिया पर अपना एक फोटो अपलोड किया था, जिस पर मैंने कॉमेंट किया था। इसी चीज को लेकर वंशिका और मेरे बीच कहासुनी हो गई और वंशिका ने हमारे कॉलेज में उसके परिचित सीनियर छात्रों को लेकर इसकी शिकायत उनसे की, जिसके बाद मेरे परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद कॉलेज बंद हो गया और गुरुवार को कॉलेज खुलने पर शाम के समय मेरी मुलाकात कॉलेज के गेट के सामने वंशिका से हुई और हम दोनों के बीच फिर से इस बात को लेकर कहासुनी हो गई। वंशिका ने मौके पर अपने परिचित सीनियर छात्रों को बुला लिया, जिन्होंने मुझे डरा धमका कर मुझसे जबरदस्ती वंशिका के पैर छूकर उससे माफी मांगने पर मजबूर किया। आदित्य ने बताया कि इस बात को लेकर मैं काफी गुस्से में आ गया और मेरे पास रखे एक तमंचे को लेकर वापस कॉलेज के पास आया। कॉलेज के पास ही एक जनरल स्टोर पर मुझे वंशिका मिली, जहां मैंने उसे तमंचा दिखाकर उन लोगों को बुलाने की बात कही। इसी बीच हम दोनों के बीच हुई कहासुनी में मैंने वंशिका को गोली मार दी और पकड़े जाने के डर से मैं अपनी मोटरसाइकिल और तमंचा मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गया। तो वहीं अब इस घटना से एक चीज जो हमारे सामने आई है वो ये है कि आजकल का जो युवा है वो छोटी छोटी बातों पर ही अपना आपा खो देता है और गुस्से में आकर ऐसा काम कर बैठता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जितने भी लोग ये खबर देख रहे हैं, ज्यादातर जो आजकल के युवा हैं, अगर वो इस खबर को देख रहे हैं तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपकी और किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।